सोशल मीडिया पर हवाबाजी करता शहरी पपलून की गैल, पहली बार टकराया बेटा मर्द से, भूतली उतारी तेरी अच्छी तरह रोड पर फेंक फेंक के, जिसने पूरी वीडियो ना देखी हो वो देख लो, चक्कर आ गए। और ये कह रहा ना जो चार आदमी, भाई हम है तो दो ही पर इसका कसूर नहीं है, इसे खंबा एक था इसे दो दिखने लग गए, ठीक है भाई हम दो थे हम इसे चार दिखने लग गए, तो ये इसके हिसाब से हम दो कमल थे। तेरी जगह तेरा इलाका, तू 125 किलो का आदमी और तैने ही खुराक ली, क्योंकि तैने ही में आके छेड़ो तैने ही ऐब करो। लो भैया अब सुन लो इस लड़ाई का पूरा सच, और मैं कोई पॉलिस मार के बताने वाले आदमी नहीं, मैं तो ना हूं भैया, मैं तो लड़ाई करने वाले आदमी नहीं, मैं तो ही ना हूं, 70 किलो का आदमी हूं, समाज से भी आदमी हूं, और ये वीडियो भी मैं बनाना नहीं चाह रहा था भाई, मगर मजबूरन बनानी पड़ रही है, क्योंकि मैं कोई भी काम ऐसा नहीं करना चाहता जिससे समाज में फूट पड़े। इस व्यक्ति ने सबसे पहला आरोप ये लगाया कि इसकी प्रेग्नेंट औरत पर हमने कमेंट कर दिया। भाई मैं एक समाज सेवी आदमी हूं, मैं तो क्या कोई छिछोरा, अरे छिछोरा तो छोड़ो, कोई महा छिछोरा भी होएगा ना वो भी किसी प्रेग्नेंट लेडी पर कमेंट नहीं कर सकता, लॉजिकली सोचो। अरे हमारा गांव असोला फतेहपुर बेरी दिल्ली में है, और दिल्ली से मैं फरीदाबाद जाऊंगा, इनके गांव के बाहर इनके इलाके में, वहां जाके इसकी बीवी पर कमेंट करूंगा, ये 6.5 फुट का आदमी है, और मुझे देखना भाई, ये 125 किलो का, मैं 70 किलो का हूं, इसके सामने मैं इसकी बीवी पर कमेंट करूंगा, कोई लबे लग रही है बात? मैं ये नहीं कह रहा, मेरी बात पर यकीन करो, आप खुद सोचो। भैया लड़ाई की शुरुआत हुई है, रुद्राक्ष बच्चा जो 18 करोड़ रुपए का इंजेक्शन लगना था उसके इलाज में जो भी पैसा आया था उसके हिसाब को लेकर इस व्यक्ति ने घर बैठे बैठे भाई समाज की थू करवा दी, वीडियो बना बना कर डालता था। उस मैटर में दो बार पंचायत हुई जिसमें मौजूदा मजबूत आदमियों के बीच सारा फैसला हुआ, सारा हिसाब किताब हुआ। उस फैसले में, उस पंचायत में, दोनों पंचायतों में इसे बुलाया, मगर ये एक बार भी नहीं आया। पंचायत होने के बाद भी इस आदमी ने अपनी गलत सलत चीजें वीडियो छोड़नी चालू कर दी, सोशल मीडिया पर नंबर बनाने के लिए सत्यवादी बनने की कोशिश करता रहा। फिर भाई इसे रुद्राक्ष बच्चे के परिवार व उनके रिश्तेदारों ने इसे अच्छी तरह समझाया कि भाई सुन, तुझे दो बार बुला लिया, तू आया नहीं पंचायत में, अगर आज के बाद हमारे खिलाफ कोई वीडियो बना दी ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। तो भाई जब ये चुप बैठा, बीवी होती है घर की इज्जत, सोशल मीडिया पर लोगों के सामने अच्छा दिखाने के लिए, सही दिखाने के लिए अपने घर की इज्जत ही दांव पर लगा दी। अरे कोई इतना कैसे गिर सकता है भाई, दुनिया इज्जत के लिए लड़ाई लड़ती है। इस आदमी ने अपने इलाके में हमें देखकर, ये अपने घमंड में चूर था, इसने अपनी बीवी के सामने हवाबाजी करने की कोशिश करी। भाई हम तो एक गरीब बच्ची को खाना खिलाकर मॉल से और उसकी मम्मी को निकल रहे थे शॉपिंग करवा के, फरीदाबाद सेक्टर 12 पेबल डाउनटाउन मॉल है, और हमारा गांव है दिल्ली में, यहां से लगभग 20 से 25 किलोमीटर दूर जाकर, और वो भी मेरे साथ खुद एक लड़की थी हमारी टीम की, एक भाई था जो कि इसके हाथ में कैमरा था। इसने आते ही बदतमीजी करना शुरू कर दिया, और जो फुटेज वायरल हो रही है वो केवल लड़ाई से ही शुरू की है, लड़ाई से 10-15 सेकंड पहले की फुटेज आप देखना, जो अभी तक सामने नहीं आई, मॉल में मिल जाएगी। इसने कटवाने की कोशिश भी करी है, हमें ऐसा सुनने में आया है। भाई भाई लड़ाई से जस्ट पहले यार हम बच्चे को खाना वाना खिला के निकल रहे थे, वहां पर सिक्योरिटी गार्ड भी मौजूद था, यह बंदा सामने से आता अपनी बीवी के साथ, और आके सीधा आते ही बदतमीजी करने लगा। हाँ भाई अब बोलते हुए कैमरा वैमरा बंद कर, इसने आते ही कॉलर पकड़ लिया। मैंने कि भाई अभी आप बच्चों के साथ हो, जाओ बाद में बात करते। आप क्या बात करी, इसने भाई छुटते ही अपनी बीवी के सामने फुल उसमें था चौड़ में, इसने छुटते ही भाई हाथ छोड़ दिया। अब भैया जब हाथ छोड़ दिया तो बचाव तो हम भी करेंगे ना, चूड़ी थोड़ी पहन रखी है, मजबूरन हमें भी भैया हाथ उठाना पड़ा, वरना मैं लड़ाई झगड़े वाला आदमी नहीं हूं, मैंने आज तक कोई लड़ाई नहीं करी इतनी। और इस बंदे की आप हर दूसरी चौथी पांचवी वीडियो में कुछ ना कुछ सोशल मीडिया पर हवाबाजी और बड़ी बड़ी बातें करता रहता है, और भाई हम गरीबों की करते मदद। रुद्राक्ष बच्चे के बाद इसने फिर से हमारे ऊपर वीडियोस बनानी शुरू करी, कंट्रोवर्सी चाहता था, ये फॉलोवर्स की भूख रहती है ना ऐसे लोगों को। भाई इसने फिर से हमारे ऊपर वीडियो बनाई एक बार कि भाई देखो वो फिर से चालू हो गया, फिर से पैसे खाने वाले शुरू हो गया मैटर, क्योंकि हमारे पास एक मैटर आया था जैसा रुद्राक्ष बच्चा था वैसा ही एक बच्चा हृदयान शर्मा, जिसके पिताजी नरेश शर्मा SHO राजस्थान के धौलपुर जिला के, हमारे पास आए बड़ी उम्मीद लेकर, कमल भाई मेरे बच्चे के ये दिक्कत है 18 करोड़ का इंजेक्शन लगना। मैंने कि बड़े भाई कोई बात नहीं, भाई सच्ची नेक नियत से आवाज उठाई और आप सबका इतना प्यार और सपोर्ट मिला, मात्र 80 से 82 दिनों में भाई साहब वो 18 करोड़ की जंग हम जीत गए।
तो भाई उस चीज को देख इस बंदे के चीस लगती रही कि ये दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कैसे होती जा रही है कमल की। हजारों लाखों रुपए डोनेट भी कर रहा है भाई, अपनी मेहनत से कमाता हूं और करता हूं, और भीख मांगता हूं ना तो लोगों के जीवनों को बचा के रखता हूं, दिन रात लगा दिया भाई साहब। अरे 10 रुपए जेब से निकाल के दान करके तो देख, जब बात बनी हो सोशल मीडिया पर हवाबाजी करता शहरी पपलून की गैल, पहली बार टकराया बेटा मर्द से, और तुझे इसीलिए प्रसाद मिला है, और भूतली उतारी तेरी अच्छी तरह रोड पर फेंक फेंक के। जिसने पूरी वीडियो ना देखी हो वो देख लो, चक्कर आ गए। और ये कह रहा ना जो चार आदमी, भाई हम है तो दो ही, पर इसका कसूर नहीं है, इसे खंबा एक था इसे दो दिखने लग गए। ठीक है भाई, हम दो थे हम इसे चार दिखने लग गए, तो ये इसके हिसाब से हम दो कमल थे और दो। और जो ये कह रहा है ना कि प्यार दूंगा, तो भाई हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें एक चीज सिखाई है बेटा, जितना आगे से प्यार मिले उसे डबल दो। तो भैया डबल प्यार के लिए तैयार रहियो, ये मेरी पहली और आखिरी वीडियो। अगर इस बात में से किसी भी बात पर ये कह दे कि भाई ये बात कमल की झूठ है, तो भाई साहब मेरे पास एक ऐसा सबूत है जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। घर की औरत को छेड़ने का केस लगवाया है, अरे एक बार तो सोच लेता घर की इज्जत के बारे में, वो हमारी भी बहन बेटी है, हमें भी दुख है। अपने आप को सही दिखाने के लिए इतना गिरना ठीक नहीं है मेरे भाई। और भैया अब कहना जब आवे दूध की खापी कहियो, मैंने नमक छोड़ दिया, मेरा पानी बंद है, मेरी चाय बंद है, मेरा शुगर बंद है। जब मैं 4 साल का है ना, मैं भी कह कर आज मैंने दूध नो पिया, नहीं मारता बहुत, और जब मैं बाहर आ, अरे तू बूढ़ा हो रहा बूढ़ा, जब तू जिम में 200 किलो वजन उठा सके, 2 घंटा एक्सरसाइज कर सके, तेरे 1 मिनट लड़ाई में हाथ न चले, पिटने के बाद बताओ बाढ़ कनवाली कर रहा। मैंने चाय छोड़ दी दोस्तों, बिना शुगर के हूँ, साफ के पटापट ले ली भैया, और पटापट लिया अपनी गलती पे तय, और फिर अब करेगा फिर देंगे। इस आदमी में बहुत घमंड है, कभी बोलता 24 साल की उम्र में मैंने ये हासिल कर लिया, कोई करके दिखाओ, मैंने 26 साल की उम्र में मैं ये बन गया। अरे इस भारत देश में 101 बड़े एथलीट है, उन्होंने तो कभी इस चीज का घमंड नहीं किया, उन्होंने तो कभी ऐसे दूसरों को नीचा नहीं दिखाया। इसकी इन्हीं बातों से आप सब अंदाजा लगा लो कि इस आदमी के अंदर कितना घमंड है। तू जिस लेवल पर कभी शायद पहुंच भी नहीं पाएगा, उस लेवल तक भी जो लोग पहुंच चुके हैं उन्होंने भी कभी इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करी। भाई ये जो हमारी लड़ाई चल रही है, ये हमारी आपसी लड़ाई है, इस लड़ाई के चलते हुए भाई तुम आपस में मनमुटाव मत करो, इसे गांव समाज की लड़ाई मत बनाओ। मैं पूरी बिरादर से हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, इस बात है हम पर निपटेगा निपटा लेंगे, मगर आप आपस में मत लड़ो, मनमुटाव मत करो इस लड़ाई के चलते हुए। राम राम जी।